हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहां पर साइन करवाया है एक और विदेशी खिलाड़ी को, जिसका नाम है दोस्तों काई हेरिंग्स और उनका एज है 29 ईयर्स। तो काई हेरिंग्स एक नेदरलैंड्स का खिलाड़ी है और वो खेलते हैं सेंटर बैक के पोजीशन में, और उसके अलावा ये राइट बैक और डिफेंसिव मिडफील्ड के पोजीशन में भी खेल सकते हैं। इन्होंने नेदरलैंड्स का कई बड़े बड़े क्लबों के लिए भी खेला है और उसके अलावा ये बुंदेसलीगा में भी होमबर्ग एफसी के लिए खेल चुका है। तो काई हेरिंग्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ऑफिशियली कन्फर्म साइनिंग हो चुका है और ये एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग होने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है और मिसलव कमोर्सकी के साथ इनके कॉम्बिनेशन जोड़ी काफी फायदा दिलवाएंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को आईएसएल सीजन 6 में। और दोस्तों मिसलव कमोर्सकी जो एक क्रोएशियन डिफेंडर है, उनको भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रिटेन कर लिया है और एक बार फिर से मिसलव कमोर्सकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे हीरो इंडियन सुपर लीग में। और हमारा अगला अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्री सीजन के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उनका पहला प्री सीजन मैच खेला है सीएजी के खिलाफ। तो सीएजी जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ही एक यूथ टीम है, और उनके खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना पहला प्री सीजन मैच में 3-0 से जीत हासिल किया है, जिसमें रीडिंग लैंग ने एक गोल और मार्टिन सेबिस गार्सिया ने 2 गोल किया है। और अब चलते हैं दोस्तों ओडिशा एफसी की तरफ। तो ओडिशा एफसी ने यहां पर फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है उनका ऑफिशियल टीम लोगो, जो आप लोग फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों दिल्ली डायनामोस एफसी ने अपना होम ग्राउंड बदलने के साथ साथ उनका टीम लोगो और टीम नाम भी चेंज कर दिया है, और अब वो इसी ओडिशा एफसी के नया नाम और लोगो के साथ आईएसएल में खेलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में जुड़ी बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप मिस ना करें।